हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपने अकाउंटेंसी का सेकंड पार्ट है, अपने फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अकाउंटेंसी होती क्या है दोस्तों, उसके मीनिंग को पढ़ा था, उसके फीचर्स को पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस और इमिटेशन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज जो टॉपिक अपना है, ये फर्स्ट चैप्टर का ही सेकंड पार्ट है। तो आज के टॉपिक का नाम है बुक कीपिंग। अब दोस्तों ये बुक कीपिंग होती क्या है आपको मैं बता दूं कि अकाउंटिंग करने से पहले हम लोगों को बुक कीपिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग को करने जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको देखूंगा, वो मनी के टाइम में है नहीं, उसको पहचानूंगा, फिर उसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करने का काम मेरा होगा, ठीक है ना। रिकॉर्ड करने के बाद उसको जो क्लासिफिकेशन का काम होता है वो भी मेरा होगा, उसके बाद का जो काम होगा वो होगा अकाउंटेंट का, ठीक है ना। तो जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहां पे अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म। अकाउंटिंग क्या है? एक ब्रॉड टर्म है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि अकाउंटिंग ब्रॉड है कि बुक कीपिंग ब्रॉड है, तो अकाउंटिंग एक ब्रॉड टर्म है, बुक कीपिंग एक छोटा सा काम होता है, बस बिजनेस के ट्रांजेक्शन को देखना, उसको रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्री पास करके बस उसको फिर क्लासीफाई कर देना, बस बुक कीपिंग खत्म, ओके। तो अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड बुक कीपिंग, जो कि बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है, बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। भैया ये एकदम याद कर लो, एग्जाम में आया हुआ है। बुक कीपिंग के अंदर बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं केवल, एंड उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों कि लेजर बनाना। क्या बनाना? लेजर बनाना। इसको याद कर लो, आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक कीपिंग का काम होता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, ठीक है, ओके। डज इट इंक्लूड, तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है? पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना कि भैया वो पैसे के टाइम में है कि नहीं, मनी के टाइम में है कि नहीं, फिर उसको मेजर करना कि भैया वो मनी के टाइम में है कि नहीं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर दे देखना क्या वो मनी के टाइम में है कि नहीं, ठीक है। फिर उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्या करना? रिकॉर्ड करना, या तो जर्नल एंट्री पास कर देना, या तो कैशबुक में रिकॉर्ड कर देना, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद क्या करना दोस्तों? क्लासीफाइंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, पोस्टिंग टाइम इन टू एजय, फिर उसको एजय में पोस्टिंग कर देना, बस बुक कीपिंग खत्म। तो आपसे पूछ देगा कि बुक कीपिंग होती क्या है? बुक कीपिंग के अंदर बिजनेस के ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं। कैसे करते हैं? लेजर की मदद से करते हैं, ठीक है ना, ओके। तो बस बुक कीपिंग में इतना ही होता है, इसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो अकाउंटिंग के अंदर आता है, ठीक है, ओके, समझ आपको आ गया। अब दोस्तों अकाउंटिंग, अब हम लोगों ने पूरा अकाउंटिंग के ऊपर अच्छे से पढ़ाई कि अकाउंटिंग होता क्या है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, अकाउंटिंग क्या एक वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है ना, वाइडर कंसेप्ट है देन बुक कीपिंग, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पे भैया बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एंड बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। देखो अब अकाउंटिंग के अंदर आता है बुक कीपिंग, बस पहले आती है बुक कीपिंग, बाद में आती है अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो देखा जाए बुक कीपिंग किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का ही पार्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर ही बिजनेस की ट्रांजेक्शन को पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई रिकॉर्ड किया जाता है। भैया अकाउंटिंग बाद में स्टार्ट होती है, बट वो जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का ही पार्ट है, बस वो पहले आता है, अकाउंटिंग बाद से स्टार्ट होती है, ओके। अब दोस्तों उसके बाद अब अकाउंटिंग में आता क्या क्या है, याद है ना, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, फिर क्या था, समराइजिंग। तो यहां पर देखो समराइजेशन ऑफ क्लासिफाइड अकाउंट, जो भी आपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई किया था उसको क्या कहते हैं? समराइज करते हैं, मतलब उसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, फिर उसको एनालिसिस और इंटरप्रिटेट करना, ठीक है, उसको समझना, उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना, ठीक है ना, उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना, ये किसमें आता है? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में आता है। फिर कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको कम्युनिकेट करना, यूजर्स को बताना, जो कि वेरियस एंड यूजर्स होते हैं, ये कौन कौन होते हैं हम लोग को पढ़ना है, ओके ना। अकाउंटिंग दैट इज शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बहुत सारे लोग हो गए, गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर हो गए, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पे आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों
बुककीपिंग क्या होता है, समझ में आ गया। बुककीपिंग के अंदर बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करते हैं एजर की मदद से, बस बुककीपिंग खत्म। उसके बाद समराइज करना है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, ये किस में आता है, अकाउंटिंग में आता है। समराइजिंग के अंदर ट्रेडिंग पेयर बैलेंस शीट बनाना, एनालिसिस के अंदर मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना, चीजों को समझना बेहतर तरीके से। उसका दोस्तों कम्युनिकेशन में क्या आता है आपका, कम्युनिकेशन में आपका आता है अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाना। ओके ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों अकाउंटेंसी, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का मतलब सेम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग एकदम गलत हो। अकाउंटेंसी एक अलग चीज है, अकाउंटिंग एक अलग चीज है। अकाउंटिंग क्या है मैंने आपको बता दिया, अकाउंटेंसी एकदम ही अलग चीज है। तो ये क्या है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर अकाउंटेंसी हमको बताता है कि आपको अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज है कि नहीं, अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज है कि नहीं, ये अकाउंटेंसी बताता है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों कि अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ओके, इट एक्सप्लेन, ये हमको ये बताता है हाउ टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, कि आपको अकाउंटिंग करनी कैसे है, हाउ टू डू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करनी कैसे है, कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है, ठीक है ना। इट एजुकेट, ये हमको एजुकेट करता है हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंटिंग को करना कैसे है, खातों को बनाना कैसे है, अकाउंटिंग एक्चुअली में करनी कैसे है, ये कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है, ठीक है ना। ओके, एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन को समराइज कैसे करना है, एंड कम्युनिकेट टू द यूजर, यूजर के साथ में कम्युनिकेट कैसे करना है। बेसिकली अकाउंटेंसी को हम ग्रामर कह सकते हैं अकाउंटिंग की, जैसे इंग्लिश बोलने के लिए ABCD और ग्रामर आना चाहिए, वैसे अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंसी आना चाहिए, अपने को अकाउंटिंग के नियम पता होने चाहिए। ओके, अब अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी यहां पे देखते हैं हम क्या है। अकाउंटेंसी इज अ नॉलेज, अकाउंटेंसी क्या है, एक नॉलेज है, एक ज्ञान है, ठीक है ना। वेयर अकाउंटिंग इज ए एक्शन और प्रोसेस, अकाउंटिंग क्या है, एक एक्शन है, प्रोसेस, अकाउंटिंग में काम करना पड़ता है, एक्चुअल में आपको करना पड़ता है तब अकाउंटिंग होती है, चीजों को आइडेंटिफाई करो, रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो। तो एक्शन और प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग, और सिस्टमैटिक नॉलेज को बोलते हैं क्या, बोलते हैं अकाउंटेंसी, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। इट इज अ नॉलेज एंड ये क्या है, एक्शन है और प्रोसेस है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द यूज एंड प्रिंसिपल फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग का कोई भी काम, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो अकाउंटेंसी में जो नियम बताए गए हैं उसके हिसाब से होते हैं। Thus it may be said that accountancy is a knowledge, accountancy क्या है, knowledge है of accounting, accounting की knowledge, and accounting is the, accounting क्या है, उसका application है, application of the accountancy। बहुत ही important बात यहाँ बताई गई है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। accountancy क्या है, बस एक knowledge है, and उस knowledge का use कहाँ पे होता है, accounting की मदद से होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके आ सकता है, आया भी हुआ है बहुत बार, ठीक है। ओके, बुक कीपिंग कंसर्न्ड विद द आइडेंटिफाइंग क्या चीज, बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो मनी के टाइम में होते हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ओके, उसको मेजर करना कि मनी के टाइम में है कि नहीं, फिर द मीन मनी, एंड रिकॉर्डिंग करना उसका, क्या करना, रिकॉर्डिंग करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड एंडिंग में क्लासीफाई करना। तो बुक कीपिंग के अंदर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये किस में आता है, बुक कीपिंग में आता है, याद रखना इस बात को। ओके, अब दोस्तों अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द समराइजिंग, उसको समराइज करना, ठीक है ना, ट्रेडिंग पीआई बैलेंस शीट बनाना। ओके, एंड उसके बाद दोस्तों रिकॉर्डेड टेंशन को एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना, फिर कम्युनिकेटिंग करना जो भी हमारा नतीजा आया है यूजर्स के साथ में, ठीक है। ये कौन सा स्टेज है, ये प्राइमरी स्टेज है, एंड ये कौन सा स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। ये याद रखना कि इट बिगेन वेयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वहां से स्टार्ट होती है जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब, यहाँ पे रूटीन और क्लर्क वाला काम होता है, यहाँ पे एनालिटिकल, तो पूछ देगा कि एनालिटिकल वर्क कौन सा होता है, बुक कीपिंग की अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग एनालिटिकल है। एनालिटिकल का मतलब होता है जिस काम को करने के दिमाग चाहिए, दिमाग खर्च करना पड़ता है। ओके, ये भी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, कि सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। एंड इसका क्या काम है, टू असर्टेन द नेट रिजल्ट, कि क्या नतीजा निकला, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस हुआ, एंड बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, कि मतलब की बैलेंस शीट में एसेट्स कितनी और लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। ओके, परफॉर्मेंस, इसको जूनियर स्टाफ करता है, इसको सीनियर स्टाफ करता है। ओके,
यहाँ पे आपको कैसे स्किल चाहिए, कितना आपके अंदर होना होना चाहिए। तो भैया मैकेनिकल एंड नॉर्मल स्किल, आपको हल्का फुल्का जनरेंटी आता है, पर्सनल नॉमिनल पता है, तो आराम से जनरेंटी पास कर डालोगे, ठीक है, ओके। एंड दोस्तों अकाउंटिंग करने के लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, एबिलिटी चाहिए, एनालिसिस करने के लिए, इंटरप्रिटेट करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। आप अकाउंटिंग इतना आसानी से नहीं कर पाओगे, अकाउंटिंग करने के लिए ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ठीक है ना, ओके। आर्ट एंड साइंस, तो भैया इसको आर्ट बोला गया है, इसको साइंस बोला गया है, इसलिए मैंने आपको बताया ना अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड होता है, बहुत सिंपल है। डन भाई, इसको बुक कीपर कहता है, इसको कौन कहता है, अकाउंटेंट कहता है, ठीक है, आप आसानी से समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, ये कोई ऐसा अपना खास नहीं है, बट इसको हम लोग लेफ्ट कर सकते हो, कुछ इसमें बताने का है ही नहीं, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं टाइप्स एंड सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि अकाउंटिंग के कितने सारे ब्रांचेस हैं। आप लोग जो पढ़ते हो वो बस आपने आज तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, जो बच्चे एमकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ा होगा, हो सकता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी पढ़ा होगा, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे अकाउंटिंग के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछेगा कि आपसे पूछेगा इनमें से अकाउंटिंग का कौन सा ब्रांच नहीं है, ये सब अकाउंटिंग के ब्रांच है, आपको ऑप्शन में और भी लिख देगा कि एक्स वाई जेड अकाउंटिंग। भैया आपको पता ही नहीं है कि कितनी अकाउंटिंग होती है, तो हम लोग देखते हैं कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है, बस नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है ना, जिसमें बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, ये हो गया फाइनेंशियल। पैसों से जुड़ी हुई अकाउंटिंग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, दोस्तों ये आपको पढ़ना, अगर आप लोग जब बीकॉम में एडमिशन पा जाओगे अपने, ठीक है, जब आप फ्यूचर में बीकॉम एमकॉम सीएस कुछ भी करो, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना होगा। जिस बिजनेस के अंदर सामान को मैन्युफैक्चर किया जाता है, सामान को बनाया जाता है, जैसे ये जहां बना होगा वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग की गई है। आप खुद सोच के देखो कि किसी भी सामान की कॉस्ट निकालना इतना आसान काम नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट निकालना। अगर पाए जी बिस्कुट के अंदर 10 बिस्कुट है, तो एक बिस्कुट की प्राइस कितनी होगी ये भी पता है, ठीक है ना, ओके। तो इसी को बोलते हैं, जब किसी भी सामान की कॉस्ट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, पर यूनिट कॉस्ट को टोटल कॉस्ट को, इसको बोलते हैं। अब ये मान लो कि अगर पाए जी बिस्कुट जहां बना है, जिस फैक्ट्री में बना है, उस फैक्ट्री में जो याइट जाया है ना, उस याइट का खर्चा भी उस बिस्कुट में ऐड है, उसके फैक्ट्री के बाहर जो गार्ड खड़ा था, उस गार्ड की तनख्वाह भी उस बिस्कुट के कॉस्ट में ऐड है। तो इट इज हाउ इट इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी सामान की कॉस्ट को निकालना, ठीक है ना, पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना, ये भी अकाउंटिंग का ही एक ब्रांच है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको पता है कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी को मैनेज करने के लिए, क्या कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, अच्छे से काम को कर रहा है कि नहीं, तो उसकी भी अकाउंटिंग की जाती है, उसको भी देखा जाता है, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नाम याद कर लो। टैक्स अकाउंटिंग, भैया आप लोग जब पैसा कमाते हो, बिजनेस में जब पैसा कमाते हैं लोग, तो वो टैक्स पे करता है, टैक्स कैसे पे करता है, पहले टैक्स की अकाउंटिंग करता है ना, टैक्स को कैलकुलेट करने को ही बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है ना। अगर एक बिजनेसमैन अपने टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करता है तो उसको बोलते हैं टैक्स की अकाउंटिंग कर रहा है वो, ठीक है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग, भैया जब गवर्नमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनी है, ठीक है ना, जब उनकी अकाउंटिंग होती है तो उसको गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, गवर्नमेंट की कंपनी जब अकाउंटिंग होती है तो उसको गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, बस आपको नाम याद करना है, ओके। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, आपको पता है कि बिजनेस के अंदर एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, तो एक बिजनेस के अंदर जो इंसान है वो भी क्या है, एक एसेट्स है, तो एसेट्स है तो भैया ह्यूमन रिसोर्स की भी अकाउंटिंग होती है, कितनी ह्यूमन रिसोर्स है, कौन कितना काम करता है, किसको कितना तनख्वाह देनी चाहिए, किसका प्रमोशन होना है, इन सब की भी अकाउंटिंग होती है, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आज के टाइम पर तो MBA भी होता है ह्यूमन रिसोर्स से, HR से, ठीक है, मैक्सिमम लड़कियाँ जाती हैं, बात अलग है, ठीक है। इन्वायरमेंट अकाउंटिंग और ग्रीन अकाउंटिंग, यहाँ दो बताया गया है, और एक तो इन्फ्लेशन है, तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि भैया बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस काम कर रहा है उसने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी चीज़ें की हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं की हैं, इसकी भी अकाउंटिंग होती है, ठीक है ना, मतलब कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचाया हमारा बिजनेस, ठीक ना, उसको प्रिवेंट करने के क्या चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है, नहीं किया गया है, इसलिए बोलते हैं बिजनेस में इन्वायरमेंट अकाउंटिंग भी होती है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, महंगाई वाली अकाउंटिंग, आपको कि ये कौन सा बवाल है जी, तो इसका मतलब होता है, ध्यान से समझना, कि अगर मान लो कि कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई आती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई आती है, इन्फ्लेशन, जब सामान का दाम इंक्रीज होता है, तो वो देश क्या करता है, अपने बिजनेस के खातों को दो तरीके से बनाता है, एक बनाता है नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से, एक बनाता है महंगाई के हिसाब से। इससे ये फायदा होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि भैया महंगाई आने के कारण कितना चीज़ें बदल गई, और महंगाई अगर नहीं आती
पहले के सिचुएशन में क्या चीजें रहती हैं। तो वो कंट्री जिस कंट्री में महंगाई बहुत ज्यादा आती जाती रहती है, तो उस कंट्री के जो बिजनेस होते हैं वो अपने अकाउंट्स को, फाइनल अकाउंट्स को, ठीक है, दो तरीके से बनाते हैं। एक बनाते हैं नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से, एक बनाते हैं महंगाई के हिसाब से, ठीक है ना। उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो तरीके से बनते हैं, ठीक है ना, एक इन्फ्लेटेड प्राइस पे, एक नॉर्मल प्राइस पे, ओके। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग, क्या बिजनेस ने इको फ्रेंडली टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है कि नहीं, कि ना, जो भी वो काम करा है उसने इको फ्रेंडली मेथड्स को अडॉप्ट किया है कि नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए ग्रीन अकाउंटिंग की जाती है, ओके। अब अपना एंडिंग में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, क्योंकि एक जो बिजनेस बना हुआ है वो सोसाइटी से बना हुआ है, तो क्या उसने सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, क्या क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। पहला है इंप्लॉयज को क्या वो सही तनख्वाह दे रहा है, दूसरा कंज्यूमर को क्या क्वालिटी वाला सामान दे रहा है, शेयर होल्डर्स को क्या वो अच्छा खासा डिविडेंड रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सोसाइटी को क्या पॉल्यूशन कंट्रोल वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हो गया समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी हो सकता है बट इतना काफी आप लोगों के लिए। तो भैया ये 10 तो आपके ब्रांचेस हैं। अब आपसे कह देगा कि मानो आपके अकाउंट ये क्या गया, अब आप कहोगे कि ये भी कोई अकाउंटिंग होती है, अगर आपके सामने ये क्या गया ना, तो आप एग्जाम में टिक करके आ जाओगे ऑल ऑफ द अबव। भैया ये कोई अकाउंटिंग होती ही नहीं है, बस ये 10 टाइप्स की अकाउंटिंग होती है। आप एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सी अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं है, अभी कौन सा है, तो आप ये नाम याद करिए, आप आसानी से बता दोगे, ओके। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, याद है ना, जो हम लोग बाय बाय मीनिंग पढ़े थे कि अकाउंटिंग के कितने यूजर्स होते हैं, तो अकाउंटिंग के दो यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल वो होते हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन से यूजर्स बिजनेस के अंदर होते हैं, कौन कौन से बाहर होते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि भैया जो प्रोप्राइटर, जो ओनर है, जो बिजनेस मैन है, वो इंटरनल यूजर है, बिजनेस के अंदर का है। जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस के अंदर होता है। जो इम्प्लॉई है, जो वर्कर है, वो बिजनेस के अंदर काम करता है। शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब लोग इंटरनल यूजर्स हैं। कौन है इंटरनल, ये जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कौन कौन इंटरनल है, कौन कौन एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल में कौन कौन आ गया, इन्वेस्टर आ गया, क्रेडिटर आ गया, गवर्नमेंट आ गई, फॉरेनर्स आ गए, रिसर्च स्कॉलर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपटीटर, टैक्स अथॉरिटीज, ये सब लोग कौन है, ये सब लोग एक्सटर्नल यूजर हैं। इनको भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। कंपटीटर भैया एडिडास को नाइकी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो देखे ना कि वो कंपनी क्या कर रही है, प्यूमा की चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो वो बिजनेस करेगी अपना, ठीक है, ओके। ये हो गया। अब दोस्तों अकाउंटिंग के कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, क्वालिटेटिव। अब दोस्तों क्वालिटेटिव क्या होते हैं, कुछ विशेषताएं जो कि नंबर्स के टर्म में नापी नहीं जा सकती हैं, नंबर्स के टर्म में नापी नहीं जा सकती हैं। तो वो क्या है, ये नाम आपको याद करना है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से अकाउंटिंग की कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है या फिर है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। सबसे पहला दोस्तों आपका है रिलायबिलिटी, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, अकाउंटिंग में जो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो रिलायबल, भरोसेमंद होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग का ये पहला क्वालिटेटिव फीचर है, मतलब जो कि नंबर के टाइम में नापा नहीं जा सकता। तो भैया अकाउंटिंग में ये आपको बताना चाहता है कि जो भी अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए, ठीक है ना, ओके। दूसरा रिलेवेंस, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो काम की होनी चाहिए, आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करोगे जो आपकी काम की नहीं है, रिलेवेंट होनी चाहिए आपके अकाउंटिंग से, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, आप लोग चीजों को ऐसे रिकॉर्ड करोगे जिससे लोगों को चीजें समझ में आए, चीजें समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कंपेयरबिलिटी, हम लोग एंडिंग में क्या कह सकें, उसको चीजों से कंपेयर कर सकें, क्या कह सकें, कंपेयर कर सकें। तो भैया अकाउंटिंग के चार क्वालिटेटिव फीचर्स होते हैं, पहला रिलायबिलिटी के अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग भरोसा कर सकें, दूसरा रिलेवेंस, काम की चीजें होनी चाहिए, लिखे ना हिंदी में। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट यूजर आर एबल टू अंडरस्टैंड, चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करें लोगों के सामने कि लोग समझ सकें चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। कंपेयरबिलिटी कि हम लोग अपने अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन से चीज़ों को कंपेयर कर सकें, ठीक है, ये भी हो गया।
अब दोस्तों यहाँ पे रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या क्या रोल है, अकाउंटिंग लैंग्वेज का काम करता है, बिजनेस तो बोलेगा नहीं, तो बिजनेस के ये कौन बोलेगा, उसका अकाउंटिंग बोलेगा, ठीक है। रोल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, किसी भी एसेट्स को हम लोग उसके कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, फिक्स एसेट्स को, ठीक है। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट आपको निकालना है, ठीक है, अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है तो आपको ये उतना काम का नहीं है, इसको आप लोग लेफ्ट आउट भी कर सकते हो, ठीक है। रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, अकाउंटिंग एक सर्विस है, आपको पता ही है, ओके। अब दोस्तों सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये अपना आखिरी टॉपिक है, फिर चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, भैया अकाउंटिंग के सिस्टम कितने होते हैं, एक होता है कैश सिस्टम, ये क्या होता है, यूज इन दोज कंसर्न भैया ओनली कैश ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, ऑब्जेक्ट इज नॉट टू मेक प्रॉफिट, भैया ये केवल उन्हीं बिजनेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जहां पे कैश में ट्रांजेक्शन होता है और इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो भैया कैश सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि उस बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है जहां पे प्रॉफिट कमाना मेन मकसद नहीं होता है। दूसरा सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री पूरे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग बिजनेस के केवल एक ही साइड्स को रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के दो साइड्स होते हैं, दो पहलू, हमने ये पेन खरीदी पैसा गया, तो ये दो बातें हो गई, बट हम क्या कहेंगे, एक ही बात को रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। पढ़ते हैं क्या होता है, तो द अकाउंट मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट, क्या होता है, इनकम्प्लीट और अनसिस्टमैटिक, एग्जाम में पूछा गया है, विच इज द अनसिस्टमैटिक नॉट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, नॉट साइंटिफिक है, ठीक है ना। डबल एंट्री क्या है, साइंटिफिक सिस्टम, एग्जाम में पूछा गया है, ओके। इन दिस सिस्टम सम ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन के वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, एक ही साइड्स को रिकॉर्ड करते हैं, सपोज कि ये पेन खरीदी गई है, तो पेन खरीदा गया, पेन आया, पैसा गया, तो बस पैसा गया ये रिकॉर्ड किया गया है, पेन आया ये बात को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, तो आप कहोगे भैया पैसा कहाँ गया, आपको याद ही नहीं आएगा, क्या पता भूल जाओ, तो भैया ये कहता है ये, ठीक है ना। Why some transaction कुछ के दोनों को record किया जाता है, are recorded and some transaction are not at all recorded, मतलब कि किसी transactions के one side को record करते हैं, किसी को दोनों side को record करते हैं, किसी को record ही नहीं करते हैं, इसीलिए इसको incomplete system बोला गया है, single entity system बोला गया है, okay। अब आते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे, भैया डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग बिजनेस के दोनों साइड्स को रिकॉर्ड करते हैं, दोनों डेबिट क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, पेन आई पैसा के दोनों बात को रिकॉर्ड करेंगे, तो अंडर ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, अंडर दिस सिस्टम बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड रूल, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा पर्सनल या नॉमिनल, ठीक है ना, तो आप उसके हिसाब से चीजों को रिकॉर्ड करोगे, ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, अकाउंटिंग है, याद रखना साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम है, ये कहना साइंटिफिक। अब दोस्तों इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं लॉन्ग, अब आपको पता होगा पुराने जमाने में जो इंडिया में मुनीम लोग होते थे, भाई भाई खाते ना थे, पन्ना पढ़ते थे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, मुनीम इंडिया में होते थे ना जो बनाते थे खाता, तो भैया ये भी डबल एंट्री पे ही बेस्ड था, लॉन्ग बही आई यूज अंडर दिस सिस्टम, भाई भाई खाते होते थे, रिकॉर्डेड इन दिस बही मेड इन द इंडियन लैंग्वेज, एक हिंदू और मुहैया, ठीक है ना, हिंदी यहाँ पे हो सकता है भैया, ये डबल एंट्री पे आधारित थे बट ये लोकल लैंग्वेज बनते थे, मतलब मानो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो सब लोग एक ही तरह का अकाउंटिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे बट अपनी लैंग्वेज में, सब उसकी बिहार में बिहारी लैंग्वेज में, यूपी में यूपी लैंग्वेज में, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल की लैंग्वेज में, सब लोग अकाउंटिंग एक ही इस्तेमाल करते थे, ओके। तो ये हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, ये सिस्टम डबल एंट्री के ऊपर बेस्ड है, ये याद रखना, ये किसके ऊपर बेस्ड है, डबल एंट्री पे, इसमें हम लोग अकाउंटिंग करते थे जैसे कि रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है ना, इंडियन लैंग्वेज, हिंदू मुहैया एक वर्ड लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दो चीजें और बची है, चैप्टर खत्म, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, एक है मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना, इसका दूसरा नाम एग्जाम में आया हुआ है एक्वायर मेथड, ठीक है ना, ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो मर्केंटाइल मेथड क्या होता है या फिर एक्वायर मेथड क्या होता है, दूसरा है कैश मेथड, तो भैया कैश मेथड को देखते हैं, तो भैया ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में हुए हैं, जो कैश में नहीं हुए हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बड़ा सिंपल है।
एक्यूरेसी सिस्टम क्या है, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में हुआ हो चाहे क्रेडिट में हुआ हो, दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कैश में हुआ हो चाहे क्रेडिट में हुआ हो, दोनों ही ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, मर्केंटाइल मेथड। अंडर दिस सिस्टम बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ओके, तो भैया अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया दो लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, और हम लोग बहुत ही जल्दी अपने सेकंड चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना है दोस्तों तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई और डाउट है, कोई और आपको समस्या है तो कॉन्टैक्ट करियो, मैसेज करियो, व्हाट्सएप करियो, ठीक है, हम लोग आपका ये पी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, एंड अभी तक आपने कॉमर्स सीजन के मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो कर लो, कॉमर्स सीजन के ऐप को डाउनलोड कर लो, एंड आप लोग वेट कर रहे हो कि कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो भैया कर लो, क्योंकि हम लोग के जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है दोस्तों, हम लोग की जो बुक्स हैं वो लिमिटेड बच्चों को जाएंगी, सबको हम लोग बुक सेंड नहीं करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट ज्यादा बच्चे होंगे, ठीक है ना, एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर, उनको ही हम लोग बुक्स केवल सेंड करेंगे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू सो मच।